हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू S2IS। इस वीडियो में हम 2023 के जितने भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस के सोर्सेस और उन क्वेश्चंस के इंस्पिरेशंस क्या थे, ये देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो क्वेश्चंस कहाँ से और क्यों पूछे गए थे, इस बारे में हम बात करेंगे। और उसको मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस को फ्रेम किए गए थे और क्यों उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था। ठीक है, ये डिस्कस करने के बाद, क्वेश्चंस को एनालाइज करके उनके सोर्सेस को देखने के बाद, हम फाइनली एट द एंड ऑफ द वीडियो यह डिस्कस करेंगे कि अगर आपने 2023 के पेपर को, 2023 में जितने क्वेश्चंस आए थे एनवायरनमेंट में, उनको एनालाइज कर लिया और आपने समझ लिया कि सोर्सेस क्या है, इंस्पिरेशंस क्या है, तो आपके प्रिपरेशन में आगे अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस अप्रोच की बात करेंगे कि हमारा 2024 के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए आफ्टर लुकिंग एट द पेपर ऑफ 2023। सो चलते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये मार्सुपियल्स के बारे में था। ठीक है, और ये रहा आर्टिकल 23 में 2022। ठीक है, ये आर्टिकल, ये जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, ठीक है, ये आया था व्हाई आर कैंगारूज बीइंग स्पॉटेड इन इंडिया। और जैसा कि आपको पता है कि कैंगारूज जो होते हैं वो भी मार्सुपियल्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को चुना गया था आपके लिए। ठीक है, देन दूसरा क्वेश्चन जो है नंबर टू, ये है इन्वेसिव स्पेसिस स्पेशलिस्ट ग्रुप ISSG। अब बात कर लेते हैं कि इसके बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा गया। ये आर्टिकल देखिए, ये है June 4 का आर्टिकल, ठीक है, 2022 का। और इस आर्टिकल में वर्स्ट इन्वेसिव स्पीशीज अमंग प्लांट्स यूज्ड फॉर टैंक ब्यूटिफिकेशन इन कोयम्बटूर। ठीक है, ये आर्टिकल किसके बारे में है, इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में। ये आर्टिकल पहली बार नहीं है जब न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आ रहा है। 2022 से लेके 2023 तक, ठीक है, आपको अलग अलग पेपर में, द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में, या फिर सिर्फ द हिंदू में आप अगर सर्च करोगे तो आपको इन्वेसिव स्पीशीज पे 3-4 आर्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था इंस्पिरेशन इस क्वेश्चन का, इसी वजह से वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया। क्योंकि जब आप इन्वेसिव स्पीशीज को पढ़ते हो तो फिर आपको इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम जब भी न्यूज़पेपर में कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो उस चीज़ से एसोसिएटेड चीज़ों को भी हम पढ़ते हैं। देन नंबर 3 क्वेश्चन था लायन टेल्ड मकाओ के बारे में, मलाबार सीबेट के बारे में, संभार डियर के बारे में, और ये क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। मैं पहले ही आपको बता दूँ कि ये मकाऊ, लायन टेल मकाऊ, ये भी न्यूज़ में रहा था, ये भी न्यूज़ में रहा था, और ये संभार डियर भी न्यूज़ में थी। ठीक है, और इसके अलावा जो PT365 होता है, PT365 विजन आई है इसका, ठीक है, उसमें भी आपको इन तीनों के बारे में डेटा दी गई थी, तीनों के बारे में ही बताया गया था। और जब भी आप किसी एनिमल के बारे में पढ़ते हो तो ये तो पढ़ते ही हो कि वो नॉक्चुरनल है या ड्यूर्नल है। ठीक है, ये डेटा हर एक सोर्स में दी गई होती है। जैसे आप विजन आईएएस में ही पढ़ोगे तो जब लायन टेल मकाओ के बारे में बताया जाएगा तो बताया जाएगा कि वो नॉक्चुरनल है या ड्यूर्नल है। ठीक है, तो ये वहाँ से आप कर सकते थे या फिर जहाँ से भी आपने करंट अफेयर्स किया है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहे थे
तो चांसेस यही है कि जहाँ से भी आपने करंट अफेयर्स को कवर किया है वहाँ से ये आपको मिल जाते हैं। पर इनके सोर्स देख लेते हैं। ये आर्टिकल है जनवरी 27, 2023 का, 200 लायन टेल मकाओ टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ग्रास हिल्स ऑफ ग्रास हिल्स फॉरेस्ट। ठीक है, ये आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल है जैन 27 का, और दोनों एनिमल का मैंने आर्टिकल तो नहीं लिया है एज ए प्रूफ, ठीक है, बट ये न्यूज़ में थे, आप चेक कर सकते हो। आप PT 365 को भी चेक कर सकते हो जो एनवायरनमेंट वाली है, उसमें आपको इस इन दोनों के रिलेटेड, तीनों के रिलेटेड सफिशियंट डाटा मिल जाएंगे। और PT 365 में वही डेटा कवर की जाती है जो न्यूज़ में कवर हुई हो। इसके बाद पूछा गया है वेगल डांस के रिगार्डिंग, ठीक है, और इसका जो आंसर था ये है बटरफ्लाई, सॉरी नॉट बटरफ्लाइज, हनी बीज। और ये पहला आर्टिकल है एनवायरनमेंट से जिसमें आपको आर्टिकल में ही आपको आंसर मिलेगा। ये जो डांस है हनी बी का, इस डांस के बारे में ही आर्टिकल था। इससे पहले वाले जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे वो क्वेश्चंस इंस्पायर्ड तो थे न्यूज़पेपर से, बट न्यूज़पेपर में उनका एज सच आंसर नहीं है। जैसे लायन टेल मकाओ के बारे में तो लिखा गया है न्यूज़पेपर में, बट अगर आपने अलग से लायन टेल मकाओ के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर आप उसका आंसर नहीं कर सकते। बट ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे जिसमें जो आर्टिकल है, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, वहीं आपको इसका आंसर भी मिल जाता। देन इसके बाद बात करते हैं, जस्ट ए मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर टू, ये क्वेश्चन नंबर थ्री था हमारा। ये फोर, ठीक है, तो चार क्वेश्चन हमने देखे हैं अभी तक, और चारों के चारों क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं? करेंट अफेयर्स से आए हैं, किसी भी स्टैटिक सोर्स से नहीं आए। ठीक है, स्टैटिक सोर्स से ये क्वेश्चंस नहीं हैं और स्टैटिक सोर्सेस से इन क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। तो चारों क्वेश्चन जो हैं वो अभी तक करेंट अफेयर्स के हैं। आगे बढ़ते हैं, जस्ट ए मिनट। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये है मशरूम्स के रिगार्डिंग, और मशरूम्स के रिगार्डिंग तो है, ये क्वेश्चंस भी एक्चुअली में करंट अफेयर्स से लिया गया है, बट इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको आंसर पता हो जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, कुछ मशरूम्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। क्या बोला जा रहा है? सम हो सकती है, सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज हो सकता है, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज हो सकता है, सम। ये जो सम है ना, इन स्टेटमेंट्स को बहुत ही लाइट स्टेटमेंट बना देता है, यानी कि ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम नहीं है, बहुत लाइट है। और ये लाइट स्टेटमेंट्स किसके बारे में है? मशरूम्स के बारे में, ठीक है, तो इनके करेक्ट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। तो इस आंसर को देने के लिए आपको कोई आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, पर देख लेते हैं फिर भी कि ये आर्टिकल्स कहाँ से आए थे, सॉरी ये न्यूज कहाँ से उठाया गया था। तो ये जो क्वेश्चन था मशरूम्स के रिगार्डिंग, उसका इंस्पिरेशन ये आर्टिकल है, स्टडी सेज दे बूस्ट मेमोरी पावर, मेमोरी पावर और एंग्जाइटी को कम करते हैं मशरूम्स के रिगार्डिंग, ये आर्टिकल था फरवरी 16, 2023 को, ठीक है। और मशरूम्स के रिगार्डिंग ये एकमात्र आर्टिकल फिर से नहीं था, आप अगर सर्च करोगे तो आप पाओगे कि 2023 में बहुत सारे आर्टिकल्स थे मशरूम्स के बारे में। कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो, जस्ट ए मिनट, कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो मशरूम्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं, कुछ उसके, ये वाला तो आर्टिकल था या नहीं पता नहीं, कुछ उसके बायोलुमिनेस लुमिसेंट प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे,
और ये भी आर्टिकल टोटली करंट अफेयर्स से था, इसको भी आप किसी भी स्टैटिक एनवायरनमेंट के बुक से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने पांच क्वेश्चंस देखे हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए, करंट अफेयर्स से लिए गए, और इनमें से चार ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मतलब आपने न्यूज़पेपर में वो पढ़ लिया, मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर में इन्वेसिव स्पीसीज पढ़ लिया, ठीक है, इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में पढ़ा, तो आपको इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। तो चार क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, और फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर से ही मिल जाता है। हमारा जो सिक्स क्वेश्चन है हमारा इंडियन स्क्वायरल्स के बारे में, और ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टैटिक बुक, कोई भी स्टैटिक बुक आप ले लीजिए एनवायरनमेंट का, आपको किसी भी स्टैटिक बुक में इसका आंसर नहीं मिलेगा। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जिसको किसी भी स्टैटिक बुक में इनका आंसर मिला हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताए, है ना। अभी तक मैंने जितनी स्टैटिक बुक पढ़ी है उन स्टैटिक बुक में इनका आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था वो बेसिकली कॉमन सेंस पे था, या फिर हम बोल सकते हैं कि जनरल ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था, जनरल ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन होने के बाद भी ये क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन था, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये आपसे पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। अगर एक दो आप गेस भी कर लोगे फिर भी आप फाइनली आंसर तक नहीं पहुंच सकते, इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत टफ है। ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा स्टेटमेंट हो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी प्लांट के बारे में, या फिर किसी ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बारे में, ठीक है, और वहां सम लगा हो, ठीक है। यहां भी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप आंख बंद करके ट्रू मार्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जहां सम लग जाता है ना, खास करके ऐसे सब्जेक्ट में एनवायरनमेंट में, तो इसके एनवायरनमेंट में हो गया, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक में हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस के ट्रू होने के चांसेस लगभग 90% हो जाते हैं। तो 90-10 का तो रिक्स आप ले ही सकते हो, 90% अगर चांसेस है सही होने के तो 10% चांसेस है गलत होने के, और इतना रिस्क आपको एग्जाम में लेना ही पड़ेगा। फिर भी देख लेते हैं कि ये आर्टिकल कहां से इंस्पायर्ड था। अप्रैल 2023 का आर्टिकल है, माइक्रोब्स एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहां पे जो स्टेटमेंट है देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में भी पाए जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में भी पाए जाते हैं, और यहां माइक्रोब्स कहां कहां पाए जाते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल्स में, यानी कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ मिले जा सकते, कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात हो रही थी। बट यहाँ भी इस आर्टिकल को मात्र पढ़ के आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। आपने यहाँ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा तो माइक्रोब्स के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट किस बारे में है, मेकिंग टूल विथ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स, ये कौन कर सकता है, ये इसका आंसर होगा ओरांग उटन, ठीक है, और ये आंसर होगा ओरांग उटन अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है, या फिर ह्यूमन का इवोल्यूशन थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, या फिर सुन भी रखा है कि बंदर से हम पहले बंदर थे, बंदर से फिर इंसान का इवोल्यूशन हुआ है, और इस इवोल्यूशन में कुछ जानवर ऐसे हैं जो इंसान जैसे बिल्कुल हैं, जैसे कि ओरांगउटन हो गया, गोरिला हो गया, चिंपैंजी हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत भी आइडिया अगर आपको होता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देते, पर ये क्वेश्चन इंस्पायर कहाँ से था वो देख लेते हैं, क्यों इसको ही लिया गया था। तो
फोर चेन्नई पुलिस पर्सनल सस्पेंडेड फॉर एडिंग ओरांग उटन स्मगलर्स, यानी कि ओरांग ओरांग उटन की स्मगलिंग हो रही थी, कहाँ, चेन्नई में, ठीक है। इस वजह से ये एनिमल जो था वो न्यूज़ में था, ठीक है। और ये आर्टिकल कब की है, फरवरी 24, 2023 की। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया। 9 क्वेश्चन है, एरोसोल्स, फॉर्म्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, आप देखोगे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी काफ़ी न्यूज़ में रहे थे 2023 और 2022 में भी, ठीक है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के न्यूज़ में होने के कारण ये आर्टिकल, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, ठीक है। प्लस ये भी आप जान लो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स अगर आप बेसिक मटेरियल भी पढ़ रहे हो, स्टैटिक एनवायरनमेंट, अगर आपने स्टैटिक एनवायरनमेंट भी पढ़ रखा है, तो ये जो डेटा है यहाँ पे, ये आपको शंकर आईएएस में मिल जाएगा, शंकर आईएएस में मिल जाएगा। और भी कोई आप अगर रिफ़र कर रहे हो, और भी कोई आप कोचिंग के मटेरियल रिफ़र कर रहे हो, या फिर कोई और सी भी बुक रिफ़र कर रहे हो एनवायरनमेंट के लिए, तो वहाँ पे ये डेटा आपको मिल जाएगा। कब मिल जाएगा, जब आप किगाली एग्रीमेंट वगैरह पढ़ोगे तब मिल जाएगा। किगाली एग्रीमेंट, जहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हम बोल सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप स्टैटिक पढ़ के भी दे सकते हो, ठीक है। बट ये क्वेश्चन इंस्पायर कहाँ से है, करंट अफेयर्स से, यानी कि न्यूज़ से। देख लीजिए ये आर्टिकल, ये आर्टिकल है एक्सपोर्ट्स ऑन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के एक्सपोर्ट्स पे सेंटर ने बैन कर दिया, यानी कि कर्ब कर दिया, उसको रोक दिया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल, यहाँ डेट नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ कि जितने भी आर्टिकल्स लिए गए हैं वो 2022 के जून से लेके 2023 के मई तक के आर्टिकल्स लिए गए। तो ये भी आर्टिकल जो है ये इस ड्यूरेशन के बीच का ही आर्टिकल होगा। देन इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पिछला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, ये है क्वेश्चन नंबर 10, और ये है कार्बन मार्केट के बारे में। और फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपको ये पता होगा कि एनवायरनमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है, वो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्लस बाकी सारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एनवायरनमेंट से डील करती हूँ, या फिर एनिमल से डील करती हूँ, या फिर किसी प्लांट से डील करती हूँ, यानी कि इनके प्रोटेक्शन के लिए काम करती हूँ, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जब क्लाइमेट चेंज आप पढ़ते हो, तो वहीं पे आप पढ़ते हो कार्बन मार्केट्स, है ना। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टैटिक एनवायरनमेंट से, यानी कि जो भी बुक आपने रिफर करी होगी, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या फिर PMF IAS की बुक हो, ठीक है, या फिर आपने कोई अदर मटेरियल रिफ़र किया हो, आपको वहाँ कार्बन मार्केट का जिक्र मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि चाहे आपने स्टैटिक से पढ़ा हो कार्बन मार्केट के बारे में, या फिर आपने करंट अफेयर्स से पढ़ा हो, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है, ठीक है। पर हमें, हमारे वीडियो का अभी मोटिव क्या है, हमारे वीडियो का मोटिव है सोर्सेस पता लगाना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये फिर से हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा कार्बन मार्केट आर गोइंग ग्लोबल, जो आर्टिकल्स थी, ये भी 2022, ये आर्टिकल कब की होगी, मेरे ख्याल से अगस्त की आर्टिकल है ये, ठीक है, अगस्त 2022 की।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 10 क्वेश्चन नंबर हो गया था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है 11। किस बारे में है? कम्युनिटी रिजर्व के बारे में। और ये भी डेटा फिर से स्टैटिक बुक से आप कम्युनिटी रिजर्व के बारे में आंसर कर सकते हो, यानी कि आप जब एनवायरनमेंट पढ़ते हो, ठीक है, और एनवायरनमेंट में आप जब प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़ते हो तो आप बहुत सारे जगह पढ़ते हो, टाइगर रिजर्व, नेशनल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, तो वहीं पे आप ये सब भी पढ़ लेते हो। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं? 11, और 11 में से 3 क्वेश्चन स्टैटिक से भी दिए जा सकते हैं, 3 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। अब मैं यहाँ करंट अफेयर्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जस्ट अ मिनट, आप स्टैटिक से तो इनका आंसर दे ही सकते हो, बट अगर आप करंट अफेयर्स भी फॉलो कर रहे हो ना, तो करंट अफेयर्स में कम्युनिटी रिजर्व वगैरह हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो आप वहां से भी इनका आंसर आसानी से कर सकते हो। और 8 जो क्वेश्चन थे वो प्रॉपरली कहाँ से थे? वो करंट अफेयर्स थे। इन क्वेश्चंस का आप स्टैटिक बुक से आंसर नहीं कर सकते। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मर्क्यूरी पोल्यूशन, ठीक है, मर्करी पोल्यूशन के बारे में ये क्वेश्चन है। और ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप कॉमन सेंस के बेसिस पे भी आंसर कर सकते हो, या फिर आपने एनवायरनमेंट जहाँ से भी पढ़ा हो, फिर से आप या तो शंकर आईएएस से पढ़ लो, यहाँ भी आपको ये डेटा मिल जाएंगी, या फिर पीएमएफ आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक आती है वहाँ से पढ़े होंगे, या आपने किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ भी पोल्यूशन के चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो एक टेबल बना के दी जाती है कि मर्करी पोल्यूशन, मर्करी कहाँ कहाँ से रिलीज होता है सोर्सेस। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो टेबल आपको बना के दी जाती है मर्करी पोल्यूशन की, फिर सल्फर की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वगैरह वगैरह, ये जो टेबल है ये कोई भी याद नहीं कर सकता। मतलब मैंने एक एस्पिरेंट अपने लाइफ में नहीं देखा हो जो इस टेबल को याद करके जाए। तो पोल्यूशन वाले सवाल जो ऐसे सवाल आते हैं उनमें आप कॉमन सेंस लगा सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो, जैसे गोल्ड माइनिंग से एक्टिविटी से मर्करी पोल्यूशन होता है तो होता है बोल देंगे, कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से होता है, देर इज़ नो नॉन सोर्स ऑफ, ये जो क्वेश्चन था ना ये वाला, अगर इसके बारे में आप जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते तो नहीं जानते, ये दोनों फिर भी आसान है कि गोल्ड माइनिंग से मर्करी रिलीज होता होगा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से भी होता होगा, बट ये कि इसका कोई सेफ लेवल हमें पता ही नहीं है कि सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर क्या है, तो इसके बारे में जिनको आइडिया है उनको है, जिनको आइडिया नहीं है उनको नहीं है। तो अगर आपको यहाँ से पता चल गया कि 2 सही है, इसका मतलब ये है कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, 2 सही होना पड़ेगा और ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 2 सही है। अब आंसर या तो 2 होगा, 2 सही है, या तो ऑल 3 सही है, तो आपको यहाँ पे 50-50% चांसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये फिर क्यों पूछा गया था वो देख लेते हैं। द रेगुलेटर शुड मॉनिटर मर्क्यूरी इन कोडाईकनाल, ठीक है, तो मर्करी पोल्यूशन क्योंकि न्यूज में था इस वजह से इस क्वेश्चन को भी पूछा गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, भले ही न्यूज से आया हो, भले ही करेंट अफेयर से इंस्पायर्ड हो, भले ही करंट अफेयर से इंस्पायर्ड हो, बट इसको हम स्टैटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने शंकर आईएएस की बुक पढ़ रखी है वहाँ से भी आप कर सकते हो, बस ये लास्ट पार्ट ना तो मेरे ख्याल से आपने करंट में पढ़ी होगी, करंट में भी बहुत मुश्किल है कि आपने ये स्पेसिफिक लाइन के बारे में पढ़ा होगा, बट हाँ जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने पढ़ा है, जिनका लक अच्छा है उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, ये आप नहीं बोल सकते कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है इस वजह से ये लाइन पढ़ी है, बिल्कुल नहीं। अगर आपने मर्करी पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, उन्होंने भी मर्करी पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, उनको ये लाइन मिली है, इसका मतलब ये है कि वो जो सोर्स रिफर कर रहे थे लकली उस सोर्स में ये लाइन दी गई थी, ठीक है, या फिर इस बारे में बात की गई थी। देन इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ,
12 कितने क्वेश्चन हो गए, 12 हो गए ना। ओके तो 12 में से 12 क्वेश्चन हो गए हमारे, देन ये है 13 क्वेश्चन। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे कितना फोकस कर रही है, और उसी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज एक्सपेक्टेड टू, सॉरी मिशन एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस 1 लाख करोड़ वर्थ, ठीक है। ये था ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, और ये तो मैंने एक आर्टिकल उठाया है। आप सिर्फ 2023 में ही देखोगे ना, जैन से लेके मई तक आपको 2-3 आर्टिकल मिल जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन पे। तो अगर आप करेंट अफेयर्स में ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ रहे हो और आपके पास ग्रीन हाइड्रोजन पे नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप एक्चुअली करंट अफेयर्स पढ़ ही नहीं रहे ना। फिर तो आप अपने मन को शांति देने के लिए बस करंट अफेयर्स एक बार पढ़ ले रहे हो। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ी है और जो टॉपिक्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट आ रहे हैं उन पे आपके पास नोट्स नहीं है, तो फिर आपको करंट अफेयर्स हेल्प नहीं करने वाले हैं प्रीलिम्स में। मेंस में तो फिर भी हेल्प कर जाएंगे, बिकॉज यू वुड बी हैविंग नॉलेज कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एटलीस्ट आइडिया तो होगा कुछ। बट प्रीलिम्स में जहाँ फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, वहाँ आप नहीं कर पाओगे। ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, स्प्रेडिंग फाइनली एक किस चीज के बारे में दिया गया है। कार्बन कैप्चर एंड क्या है, सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो कार्बन कैप्चर के बारे में एक्चुअली सवाल है, और थोड़ी देर पहले ही हमने इस बात पे चर्चा की थी कि जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज जब भी आप पढ़ते हो तो कार्बन वहाँ पढ़ते हो, कार्बन मार्केट भी पढ़ते हो, और कार्बन को एनवायरनमेंट में कैसे कम किया जाए, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन के भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो। तो ये भी आप एनवायरनमेंट शंकर IAS का हो या फिर किसी और इंस्टीट्यूट का हो, वहाँ भी आपने एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने ये दो चीज़ें वहाँ पढ़ी हो बट तीसरा ना पढ़ा हो, किसी ने ये दो पढ़ी हो ये ना पढ़ा हो, बट एटलीस्ट आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो था वो लगभग स्टैटिक प्लस करंट था, क्योंकि स्टैटिक तो ये है ही और करंट में ये टॉपिक हमेशा ही रहती है, कार्बन कैप्चर एंड, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं जो न्यूज़पेपर का क्लिप था वो ऐड करना भूल गया, ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं किस बारे में। 15 है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। अब ये नाम ही देखिए, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, यानी कि ये रिपोर्ट 2022 में आई थी, है ना, या फिर 2023 में आई होगी, 2020 वाली 22 वाली रिपोर्ट। यानी कि ये भी जो आर्टिकल है ये टोटली करंट अफेयर बेस्ड है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा है तो इसका भी आंसर आप आसानी से कर पाते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाट वाज द यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल थे जहाँ पे यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, और इससे पहले क्या हमने पढ़ा ये वाला, जस्ट ए मिनट यार, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट भी काफी न्यूज में था। और अगर ये न्यूज में नहीं भी रहता है, मान लीजिए ये द हिंदू में अपियर नहीं होता है, द इंडियन एक्सप्रेस में अपियर नहीं होता है, फिर भी ये कॉन्सेप्ट आपके करेंट अफेयर्स कंपाइलेशन जहां से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप दृष्टि पर हो, दृष्टि का पढ़ रहे हो, या फिर इनसाइट का पढ़ रहे हो, या बाजीराम का पढ़ रहे हो, या विजन IAS का पढ़ रहे हो, ये इंस्टीट्यूट जो है ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस नहीं करती, ठीक है, खास करके जहां पे यूएन इन्वॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 15 हो गए। ये है 16।
और 16 में हमने किस चीज़ के बारे में है, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर कीन रियलाइजेशन नगोया प्रोटोकॉल। एग्जैक्ट लाइन आपको शंकर आईएएस में मिल जाएगी, शंकर आईएएस नगोया प्रोटोकॉल। और नगोया प्रोटोकॉल ये वाली लाइन, फिर ये दूसरी लाइन भी आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक है, ठीक है, क्योंकि वैसे स्टैटिक प्लस करंट भी बोल सकते हैं। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि नगोया प्रोटोकॉल भी न्यूज़ में था, है ना, बट जो स्टैटिक सोर्सेज से आ रहा है उसको हम स्टैटिक ही मानेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जस्ट ए मिनट, ये देखने से पहले कि हमारी लर्निंग्स क्या है, मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक बताया है ना, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया 16 में से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि स्टैटिक से सॉल्व हो सकते हैं, और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें हम करंट अफेयर्स के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो स्टैटिक वाले थे ये करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी सॉल्व हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर रखी है, ठीक है। लेकिन जो करंट जो स्टैटिक से सॉल्व हो सकते हैं उनको हम स्टैटिक का ही क्वेश्चन मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स हर साल आपके चेंज होते हैं ना, तो आप हर साल करंट अफेयर्स में कुछ और पढ़ते हो, बट स्टैटिक वाला सोर्स ये सेम रहता है। तो आपने अगर एनवायरनमेंट पढ़ रखी है तो हम मान के चलेंगे कि जो स्टैटिक से सॉल्व हो पाए वो स्टैटिक के क्वेश्चंस थे। तो इन 6 क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं क्योंकि इनको हम स्टैटिक से सॉल्व कर सकते हैं, और स्टैटिक वाले क्वेश्चन आपने देखा कि आप आसानी से शंकर आईएएस का एनवायरनमेंट या फिर कोई भी एनवायरनमेंट आपने पढ़ रखी हो वहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन हैं वो या तो क्लाइमेट चेंज से थे, क्लाइमेट चेंज में एक था कार्बन वाला, कार्बन मार्केट, दूसरा कार्बन कैप्चर, ठीक है। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो वाइडली कवर किए जाते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के बुक में। अब हम बात कर लेते हैं इस 10 करंट अफेयर्स की, ठीक है। ये करंट अफेयर्स के टॉपिक करंट अफेयर्स से तो हैं, बट करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर द हिंदू पढ़ी है, ठीक है, तो द हिंदू अगर आप पढ़ रहे हैं, जो भी आर्टिकल उसमें अपीयर हो रहा है खास करके एनवायरनमेंट वाला, उस आर्टिकल को पढ़ के आप इसका आंसर दे दो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस आर्टिकल से ये क्वेश्चंस इंस्पायर हुए हैं, उस आर्टिकल से लाइंस नहीं उठाई गई है, सेम टू सेम लाइंस कॉपी नहीं किए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल से अगर इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में, तो उन्होंने इन्वेसिव स्पीसीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, और अगर आर्टिकल मान लीजिए इन्वेसिव स्पीसीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी था द हिंदू में, पर इस आर्टिकल में आपको ये थोड़ी बताया जाएगा कि इन्वेसिव स्पीसीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, उसका फंक्शन क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको ही गूगल करनी पड़ती है, ठीक है। या तो आप गूगल करते हो, या तो आप अपना जो एनवायरनमेंट है वो अच्छे से किसी करेंट अफेयर्स मैगजीन से कवर करते हो। क्यों? क्योंकि करेंट अफेयर्स मैगजीन भी जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वैसे वो इंस्पिरेशन टॉपिक का यहाँ से लेती हैं, कहाँ से, न्यूज़पेपर से या फिर अदर करंट अफेयर्स से, बट इसके साथ वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं, स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कुछ दिन पहले, हमने देखा था कि आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे, बट आर्ट एंड कल्चर में ऐसा था कि अगर आपने न्यूज़पेपर का वो करंट अफेयर्स पढ़ा है, ठीक है, न्यूज़पेपर से ही पढ़ा है, तो उस न्यूज़पेपर में जो डेटा दी गई थी उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बट एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के जो करंट अफेयर्स हैं ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल से जस्ट इंस्पायर्ड हैं, इनके बेसिस पे स्टैटिक जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से बस टॉपिक चुना गया है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, फिर इससे रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा गया है,
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले क्या किया जा रहा है यहाँ पे। जस्ट ए मिनट। हाँ देखिए, यहाँ पे मार्सोपियल्स न्यूज में थे, कंगारू न्यूज में था, बट उस आर्टिकल में यहाँ जो पूछा गया है ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, यानी कि कंगारू से, कंगारू का जो आर्टिकल था, कंगारू पे जो बेस्ड आर्टिकल था, यहाँ से बस मार्सोपियल्स का टॉपिक लिया गया है, मार्सोपियल्स, और इस टॉपिक से जो भी स्टेटिक क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, स्टेटिक स्टेटमेंट बन सकते हैं, उनसे क्वेश्चन फिर पूछा गया है। सेम चीज़ यहाँ भी हुई है इसके बाद वाले में, ये वाला, ये जो ग्रुप था इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है, इसके बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है, ये वाली तो फिर भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर से ही, ये वाला स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में ही हो सकता है, ठीक है, कि इन्वेसिव स्पेसिस स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है ये किसकी है, IUCN की। बट ज़्यादातर केसेस में क्या देखा गया है कि ये जो टॉपिक है, ये वाला, ये टॉपिक इंस्पायर्ड है न्यूज़पेपर से, बट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उस टॉपिक के, जैसे इस टॉपिक के स्टेटिक पार्ट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में नहीं दी गई है उस इंफॉर्मेशन से पूछे जा रहे हैं। सेम केस, जस्ट ए मिनट। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, पहली सीख कि एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट। दूसरे सब्जेक्ट में आप देखोगे कि साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा है, साइंस के स्टेटिक से यहाँ एक एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर्स से होते हैं। सेम केस देखा जा रहा है अब एनवायरनमेंट के साथ, जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स बेस्ड हैं या फिर करेंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड है, यानी कि एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के लिए आप सिर्फ द हिंदू या फिर जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करोगे, ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स कवर कहाँ से करोगे, इसके करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हो किसी भी मंथली मैगजीन से, ठीक है, मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, आप विजन का मैगजीन आपको समझ में आता है आप विजन का पढ़िए, इनसाइट का आपको समझ में आता है इनसाइट का पढ़िए, बट ध्यान रखिएगा कि एक मैगजीन पढ़नी है, या तो विजन का पढ़िए या तो इनसाइट का पढ़िए, दोनों नहीं पढ़नी। अगर आप दोनों पढ़ने बैठते हो ना तो फिर आप अपना टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक ही मैगजीन आपको प्रीफर करनी है, एक मैगजीन प्लस एक डेली न्यूज़पेपर, कोई भी, इतना मोर देन इनफ है आपको, आपके लिए, ताकि आपके मार्क्स जो हों वो एनवायरनमेंट में वो अच्छे हैं। प्लस क्योंकि एनवायरनमेंट में स्टेटिक के क्वेश्चंस इस बार कम थे, इसका ये सेंस बिल्कुल नहीं है कि आप स्टेटिक को इग्नोर कर दें, ठीक है, स्टेटिक को इग्नोर नहीं करना है, स्टेटिक में आपको जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको एनवायरनमेंट की सबसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए से क्या मतलब है हमारा, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है फूड चैन, फिर इस डाइवर्सिटी, फिर बायोडाइवर्सिटी, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने चाहिए। प्लस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, प्लस इंटरनेशनल लॉज जो है एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, प्लस जो इंडियन लॉज एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, और इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, ये सारी डेटा आपको मिल जाती है शंकर आईएएस में
लास्ट फ्यू चैप्टर्स में, लास्ट फ्यू चैप्टर्स जो बेसिक्स है आपको शुरू के फ्यू चैप्टर्स में मिल जाएंगे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो लास्ट के फ्यू चैप्टर्स में मिल जाते हैं। तो ये हो गया, ये हमने सीखा, यही हमारी लर्निंग थी कि करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस साथ में हमें स्टैटिक पे भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म हो गया, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें। कोई आपकी क्वेरीज है तो कमेंट करें, कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर हम लोगों से ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।